अब हम इस वीडियो में इनइक्वलिटीज के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप प्रीवियस क्लासेज में लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि कुछ इस तरह की होती हैं। लीनियर इक्वेशंस में हम जो सिंबल यूज करते हैं वो इक्वलिटी का सिंबल होता है। अब हम इस चैप्टर में लीनियर इनइक्वलिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये कुछ इस तरह की होती हैं। लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वलिटीज में ये फर्क होता है कि जो लीनियर इनइक्वलिटीज में सिंबल होता है वह इनइक्वलिटीज का सिंबल होता है। आप पढ़ चुके हैं कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें वेरिएबल की एक फिक्स वैल्यू मिलती है, लेकिन लीनियर इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने के बाद ये पॉसिबल है कि हमें वेरिएबल की एक से ज्यादा वैल्यूज मिलें। अब हम लीनियर इनइक्वलिटीज में यूज होने वाले सभी सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सबसे पहला ये सिंबल है जिसे हम ग्रेटर देन कहते हैं। इसका ये एग्जाम्पल है एंड इसे हम पढ़ते हैं x इज ग्रेटर देन 4। ये लेस देन का सिंबल है एंड इसके यदि एग्जाम्पल को देखें तो इसको हम पढ़ेंगे x इज लेस देन 4। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है। इसका ये एग्जाम्पल है एंड इसे हम पढ़ते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है। इसका एग्जाम्पल ये है एंड इसे हम पढ़ेंगे x इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब हम इनइक्वलिटीज के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनइक्वलिटीज को हम अलग अलग तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, बेस्ड ऑन वेरिएबल और न्यूमेरिक, बेस्ड ऑन सिंबल ऑफ इनइक्वलिटीज और बेस्ड ऑन पावर ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन इनइक्वलिटीज। सबसे पहले वेरिएबल और न्यूमेरिक के बेस पर इनइक्वलिटी दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी। यदि इनइक्वलिटी साइन के दोनों ही साइड हमें एक कॉन्स्टेंट नंबर दे रखा हो तो वह न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल 3 इज लेस देन 6 एंड 7 इज ग्रेटर देन 6। यहां आप देख सकते हो कि दोनों ही इनइक्वलिटीज में इनइक्वलिटी साइन के दोनों ही साइड कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं। एंड सेकेंड टाइप की इनइक्वलिटी होती है लिटरल इनइक्वलिटी। यदि इनइक्वलिटी साइन के एक साइड वेरिएबल हो एंड दूसरी साइड एक कॉन्स्टेंट हो तो वह इनइक्वलिटी लिटरल इनइक्वलिटी होती है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहां आप देख सकते हो कि इनइक्वलिटी साइड के लेफ्ट हैंड साइड पर एक वेरिएबल x है एंड राइट हैंड साइड पर कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं। अब यदि सिंबल्स के बेस पर हम इनइक्वलिटीज को देखें तो भी दो टाइप की होती हैं। पहली स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। यदि किसी इनइक्वलिटी में या तो ग्रेटर देन का या फिर लेस देन का सिंबल यूज होता है तो वह स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी होती है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। सेकेंड टाइप की होती है स्लैक इनइक्वलिटी। यदि किसी इनइक्वलिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू का सिंबल यूज होता है तो वह स्लैक इनइक्वलिटी होती है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब यदि हम वेरिएबल की पावर के अकॉर्डिंग देखें तो भी इनइक्वलिटीज दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट लीनियर इनइक्वलिटी। यदि किसी इनइक्वलिटी में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 के इक्वल हो तो वह लीनियर इनइक्वलिटी होती है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। यहां आप दोनों ही एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि पहले में वेरिएबल है x एंड सेकेंड में वेरिएबल है y एंड दोनों में ही x एंड y की मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये दोनों ही लीनियर इनइक्वलिटी के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड टाइप की होती है क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी। यदि किसी इनइक्वलिटी में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 के इक्वल हो तो वह क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी होती है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। यहां आप देख सकते हो कि दोनों ही एग्जाम्पल्स में x की मैक्सिमम पावर 2 के इक्वल है। अब एक और स्पेशल टाइप की इनइक्वलिटी होती है जो कि होती है डबल इनइक्वलिटी। यदि किसी इनइक्वलिटी में दो बार इनइक्वलिटी साइन का यूज होता है तो वह डबल इनइक्वलिटी होती है। ये इसके एग्जाम्पल हैं।
इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में आप क्लियरली देख सकते हो कि दो दो बार इनइक्वलिटी साइन का यूज हुआ है, इसलिए ये डबल इनइक्वलिटी के एग्जाम्पल्स हैं। अब यदि हम इस इनइक्वलिटी की बात करें तो यह एक लीनियर इनइक्वलिटी है। अब यदि हम इनइक्वलिटीज के सिंबल्स के अकॉर्डिंग देखें तो यह स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी होगी, क्योंकि इसमें लेस देन सिंबल का यूज हो रहा है। एंड यदि हम इस इनइक्वलिटी को वेरिएबल और न्यूमेरिक के अकॉर्डिंग देखें तो यह लिटरल इनइक्वलिटी होगी, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में वेरिएबल है एंड राइट साइड में एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो आपने यहां से क्या सीखा? आपने यहां से सीखा कि कोई भी इनइक्वलिटी एक से ज्यादा टाइप की भी हो सकती है।